श्योपुर की खबरों की ओर। श्योपुर में नशे के खिलाफ आम जनता ने की आवाज बुलंद। श्योपुर जिले में नशे का हो रहा है अवैध कारोबार, पुलिस नहीं कर पा रही है कार्रवाई, जिसके चलते नौजवान हो रहे हैं नशे का शिकार। श्योपुर सहित बड़ौदा 32 क्षेत्र से लेकर संपूर्ण जिले में गांजा, शराब, चरस, मैक का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिससे नौजवान युवा भी चपेट में आ रहे हैं। श्योपुर जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आम जनता ने हजारेश्वर पार्क में एक मीटिंग रख अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कई वर्षों से बड़ौदा क्षेत्र से लेकर संपूर्ण जिले में यह कारोबार फैल चुका है। नशे ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। आज आम जनता ने श्योपुर कोतवाली पहुंचकर नगर निरीक्षक व जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है एवं अवैध नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट विजय शंकर मीणा, योगेश जाट, यदुराज जाट, नीरज जाट, रामलखन हिरनी खेड़ा, विवेक भारद्वाज, अनवर गिरिराज बेवरा, जुगराज दारा सिंह मीणा, चंद्रपुरा आदि लोग उपस्थित रहे। उनकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि श्योपुर क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार जिस तरह पल फूल रहा है, जगह जगह कारोबार जैसे किराने की दुकान के दुकानों की स्थिति, वो स्थिति आज क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार की स्थिति है। उस स्थिति के कारण क्षेत्र के युवा, क्षेत्र के नागरिक, एक यहाँ का वातावरण जो खराब हो रहा है, उसी पीड़ा को लेकर कुछ दिनों पहले देवरी धाम पर आयोजन किया गया था और इसके विरुद्ध एक अभियान चलाने का निश्चित किया गया था। आज उसी मीटिंग में लिए गए निर्णय के तहत आज श्योपुर क्षेत्र के युवाओं के द्वारा श्योपुर क्षेत्र में फैल रहे नशे के अवैध कारोबार को बंद कराने के लिए नाम सहित जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। कहाँ कहाँ अवैध कारोबार चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन उसके पीछे है, भैया ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया है। अवगत कराने के बाद जिला प्रशासन को एक वार्निंग रूप में ये भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर अगर जो लोग क्षेत्र में अवैध कारोबार संचालित कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो श्योपुर क्षेत्र के ग्रामीण है शहरी जीवन